ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे को अब 6 लाइन से 8 लाइन का कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां वाहनों की संख्या 32,000 वाहन प्रतिदिन हो गई है तथा कंसेशन एग्रीमेंट में भी यह बात पहले से लिखी हुई है कि अगर टोल पर वाहनों की संख्या 32,000 प्रतिदिन के आसपास हो जाएगी तो इसे 6 लाइन से 8 लाइन का कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि इसको 8 लाइन करने के लिए आदेश दिए गए हैं और इसकी डीपीआर बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जो टेक्निकल कमेटी है वो रोड सेफ्टी कमेटी के नॉर्म्स के अनुसार 15 दिन के अंदर इसका डीपीआर तैयार कर देगी। वहीं डीपीआर तैयार होने के बाद इसके 8 लाइन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके विस्तार का पूरा खर्च जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को ही उठाना है। गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दिन में करीब 32,000 वाहन गुजरते हैं और आगे इन वाहनों के और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद वाहनों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का ज्यादा दबाव ना बने उसी को देखते हुए इसे 8 लाइन का किया जा रहा है। बता दें कि सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए भी काफी कार्य किए जा रहे हैं। जो भी एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया उसी हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे पर कार्य कराए गए हैं, जिसकी वजह से पिछले वर्ष में हादसों में काफी कमी आई है। जीरो पॉइंट पे जो कल घटना हुई जिसकी वजह से लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उसके बारे में संज्ञान लेते हुए ये रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें कि जो मेंटेनेंस रिपेयर और ऑपरेशन के लिए जो संस्था उत्तरदायी है, जो कंसेशनायर है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, उसके आईआरपी ने हमको रिपोर्ट सबमिट की और वो आए भी थे। उन्होंने अवगत कराया कि ये साइड में जो ऊंचाई है, जो ब्रेकर्स हैं लगाए गए हैं और जो बीम लगाई गई है मीडियन बीम, उसकी ऊंचाई वो है 500 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर है, जिसकी वजह से कई बार इस तरह के स्लिप होते हैं और कई दुर्घटनाएं होती हैं। पूर्व में भी इस तरह की दुर्घटनाएं यहाँ पर इस स्थान पर भी हुई हैं और साथ ही साथ एक्सप्रेसवे पे भी हुई हैं। अभी ये इंडियन रोड कांग्रेस का पहले नॉर्म था कि एक्सप्रेसवे पे जो साइड मीडियन होगा 500 सेंटीमीटर होगा यानी आधा मीटर होगा। अब इसको चेंज कर दिया है इंडियन रोड कांग्रेस ने भी और मार्थ ने भी, और अब ये 2.78 मीटर कर दिया गया है। जैसे कि मीडियन पर यहाँ थ्राई बीम लगाया गया, उसकी वजह से दुर्घटनाएं काफ़ी कम हो गई और एक पार से दूसरी तरफ जो है वो गाड़ियाँ एक्सीडेंट होकर नहीं जा रही हैं, उसी तरह दोनों साइड में जो है मीडियन जो है ये बीम 2.78 मीटर के हाइट तक कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से भविष्य में दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। साथ ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।